नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार इस वीडियो में जीन ट्रांसफर मेथड इन बैक्टीरिया के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा और समझेंगे कि कितने तरीके के जीन ट्रांसफर मेथड बैक्टीरिया में मौजूद हैं और उनका इस्तेमाल हम लोग रियल लाइफ में कहां पर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अपटेक ऑफ फ्री डीएनए फ्रॉम एनवायरनमेंट। अगर कोई बाहर का डीएनए एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया के द्वारा लिया जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का इस्तेमाल काफी फ्रिक्वेंटली डीएनए क्लोनिंग के समय हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं? तो मान लीजिए कि अगर आपका कोई प्लाज्मिक डीएनए है जिसमें आपने कोई डिजायर जीन का क्लोनिंग किया है, तो आप चाहेंगे कि उस प्लास्मिड को आप बैक्टीरिया के अंदर डालें। तो कैसे डालते हैं? तो आप लोग उसको ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से डालते हैं। करते कैसे ट्रांसफॉर्मेशन? आप बैक्टीरिया को और डीएनए को साथ साथ इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट मतलब साथ साथ रखते हैं आइस कोल्ड टेम्परेचर पर, ठंडे में उसको रखते। उसके बाद उसको हीट सॉक करते हैं। क्या करते हैं? हीट सॉक करते हैं। हीट सॉक कैसे करते हैं? आप उस इनक्यूबेटेड डीएनए और बैक्टीरिया को थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90 सेकेंड के लिए क्या करते हैं? इनक्यूबेट करते हैं। और इनक्यूबेट करने के बाद फिर क्या करते हैं? उसको कूल करते हैं। और अब पाते हैं कि आपका कुछ डीएनए जो प्लास्मिड डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे आपका प्लास्मिड डीएनए है तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद नेक्स्ट जनरेशन में प्रोपोगेट करेगा। प्रोपोगेट का मतलब क्या? वो पाया जाएगा और मिलेगा। लेकिन अगर यही डीएनए जो है फ्री डीएनए है, कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए नहीं है, या उसमें अपना ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन नहीं है, और आपने हीट शॉक मेथड से ट्रांसफॉर्मेशन कर तो दिया, लेकिन अगले जनरेशन में वो लॉस कर जाएगा, डिग्रेड कर जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर फ्री डीएनए है, अगर वो मेन क्रोमोसोम के साथ अगर जुट जाए तो क्या होगा? लॉस नहीं होगा। अगला जो चीज हम लोग देखते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या कहता है? अगर कोई भी जो डीएनए है, जो कौन सा डीएनए, वायरल डीएनए है या वायरस में कोई डाला हुआ डीएनए है, डिजायर डीएनए है, अगर उसकी मेथड से वायरस के इन्फेक्शन की मदद से बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जाए, तो उस मेथड को हम लोग क्यों बोलते हैं? ट्रांसडक्शन। मतलब कि जैसे ही अगर बैक्टीरिया और वायरस को साथ में रखते हैं, तो आप पाएंगे कि वायरस इन्फेक्ट करता है, बैक्टोफाज क्या करता है? इन्फेक्ट करता है और अपना जो डीएनए, वायरल डीएनए, बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है। और इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन। इस मेथड का भी इस्तेमाल हम लोग क्लोनिंग में करते हैं। अगर हमको बैक्टोफाज की मदद से हमको अगर जानना है बैक्टीरिया में डालना है, तो उस मतलब में लोग करते क्या है कि आप उसके क्या क्या जीन का जो क्लोन है, आप पहले सबसे पहले किस में डालेंगे? फाज में डालेंगे, अपना डिजायर जीन। और जब डिजायर जीन इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया के साथ क्या है, उसमें अपना डिजायर जीन चला आएगा। और चला ही नहीं आएगा, और आगे जनरेशन में अगर वो मान लीजिए फाज और डिजायर जीन जो आपका है वो इंटीग्रेट कर गया बैक्टीरिया में, तो नेक्स्ट जनरेशन में प्रोपोगेट करेगा, मतलब पाया जाएगा। जैसे बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो भी आपका डीएनए क्या हो जाएगा? पाया जाएगा। अगला जो चीज है मेथड है कंजुगेशन। काफी महत्वपूर्ण है। इनका इस्तेमाल हम लोग जीन के मैपिंग में करते हैं। जीन के मैपिंग में करते हैं। कैसे करते हैं उसको जानने के पहले देखते कहते किसको है कंजुगेशन। कंजुगेशन है क्या? ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू द रिसिपिएंट बैक्टीरिया बाई सेल टू सेल कॉन्टेक्ट। अगर दो बैक्टीरिया हैं, एक डोनर है और रिसिपिएंट है, साथ में रखते हैं, तो डोनर का जो जीन है आसानी से रिसिपिएंट में चला जाता है। इस मेथड को हम लोग कंजुगेशन करते हैं। डोनर और रिसिपिएंट बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? डोनर बैक्टीरिया में क्या होता है? फर्टिलिटी फैक्टर होता है, और रिसिपिएंट बैक्टीरिया में फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होता है। फर्टिलिटी फैक्टर मतलब एफ प्लस और एफ माइनस को रिसिपिएंट बोलते हैं। पर्टिकुलर फैक्टर जो है कंजुगेशन ट्यूब मतलब सेक्स पिली का निर्माण करने में सक्षम है।
जबकि रिसिपिएंट बैक्टीरिया एफ माइनस एक कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण नहीं कर सकता है। तो जब भी जीन का जो ट्रांसफर होगा, एक बैक्टीरिया एफ प्लस होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, एफ माइनस होना चाहिए, जो कि फर्टिलिटी फैक्टर के वजह से वो जीन का क्या करेगा, कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण करेगा और जीन का क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। और जीन का ट्रांसफर करेगा और इसका इस्तेमाल हम लोग जीन के मैपिंग में करते हैं और इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से किसी वीडियो में हम लोग करेंगे। जीन मैपिंग मतलब क्या है, जीन का कैसे लोकेशन है, जैसे इसके जीन के लोकेशन को हम लोग मिनट्स में मेजर करते हैं, मतलब एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, क्योंकि जैसे ही ट्रांसफर करते हैं, मान ली कंजुगेशन ट्यूब टूट गया तो दो मिनट के बाद, दो मिनट के पहले तक जो हुआ सो हुआ, बाद वाला ट्रांसफर नहीं होगा। एनीवे, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो और इसका आप आनंद उठा सकें। थैंक यू।